साथियों, आजादी का ये अमृत काल, ये टाइम पीरियड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, तेज गति से हासिल हुई सफलताओं के बावजूद, मैं इसे चुनौती क्यों कह रहा हूं और मैं मानता हूं कि इस बात को आपको भी समझ रहा हूं। आज भारत के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए अब देशवासी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। देश के लोगों की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम सबको, आपको पूरे सामर्थ्य से जुटना ही होगा। तेजी से निर्णय लेने होंगे, उन निर्णयों को उतनी ही तेजी से लागू करना होगा। और आपको एक और बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आज, और ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप भी अनुभव करते होंगे, आज पूरे विश्व की भी भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही है कि भारत का समय आ गया है, इंडिया टाइम हैज अराइव्ड। ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं है। आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। हो सकता है फील्ड में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूह के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें कि मेरे इस निर्णय से, निर्णय भले छोटा क्यों ना हो, मेरे इस निर्णय से देश का क्या भला होगा। यानी आपके लिए कसौटी देश हित ही है। और मैं आज भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए इस कसौटी में एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे विश्वास है आप इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे।